आप अपनी जगह तो देखे, चार पे कितने दाग पड़े हुए हैं। मेरे साथ भी क्या? हाँ जी, हमें तेरी जगह में भी लगा हुआ है। नहीं, मेरी जगह में लगी नहीं, जहाँ मर वाला है। ये देख, ये देख। अबे चल धो आ जा। दबाओ। बीवी तो टांगे दबाती ना। यार मेरी बीवी ने तो अजीब तंग करके रख दिया मुझे। जो बात करो जाके सास के सामने चुगली कर देती, ये कोई बात होती भला? आपकी बीवी तो फिर जाके चुगली करती थी ना, मेरी तो सास की कमबख्त मारी मेरे टुकड़ों में पड़ी रहती है। और ऊपर से जब मेरी बीवी मुझसे लड़ती है तो वो भी मुझसे आके लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। नहीं यार, मेरी सास तो बड़ी नेक खातून, असल मसला तो मेरी बीवी का ही। सारा दिन यार सफर 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 सफर, ऊपर से खुद जाके सहेलियों के घर पे बैठ जाती, वो नहीं तो सहेलियों को यहाँ बुला लेती है, यहाँ बैठ जाती है, वैसे हम तो कुछ है ही नहीं। मेरी बीवी तो खुद जाके मुझसे कहती है जाओ टेबल पे जाके खाना लगाओ, और तौबा इस्तग़फ़ार, सास सास तो कहती है कि बर्तन जाके धो। मेरी बीवी भी सारा काम मुझी से करवाती, यहाँ तक के बच्चों की नैपियाँ भी यहाँ ही बदलती। हाँ ये तो है, पर मेरी बीवी जो है ना वो बच्चे पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो उसने सबर कर लिया होगा बेचारी, समझ ली। नहीं ना, वो कहती है मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा यार, मेरी बीवी ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया इतने बड़े बड़े अल्फाजों में। जाओगे तुम लोगों को यार, ये कैसी बातें करो, तुम लोगों की शादी कब हुई? उनका भाई मेरे भाई, आओ वेलकम टू द क्लब। अभी अभी आया हूँ, मगर ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो भाई? हम दोनों बीवी बीवी खेल रहे थे। अबे उसका तो समझ में आता है, तू किस हक से खेल रहा था? अरे ये नहीं भाई, मैं ही खेल रहा था। असल में मैं सोच रहा था कि जब बीवी होगी तो उसकी हिम्मत कैसे होगी, कैसे होगी। ओहो हो, क्या अजीम गेम खेल रहे थे यार, मजेदार। बात सुन, तूने अपने कोई ढूंढा है क्या? अपने बारे में? मैंने तो उनके बारे में सोचा है। आप में वो बात नहीं है। रख के थप्पड़ दूंगा, सोच रहे हैं। चलो दबाओ, कुछ ठंडा कुछ गर्म, जाओ ले जाओ। आप कहें तो ठंडे में दादाजी को और गर्म में कनम जी को ले आऊं। चलो अबे बात सुन भाई, कुछ भी पीने को ले आ खून के अलावा। चलो दफा उठो उठो, जाओ। आप सुनाइए जनाब, आप कैसे हैं? यार वो बेगम साहिबा गई थी अपने घर, तो मैंने सोचा कि चलो हम जरा दोस्तों के घर होके आ जाए, ऐयाशी करके आए। आपको ऐसा करना, सोते वक्त मुझे गरम दूध दे देना इस बार गोल के साथ। गरम दूध? ये कलम जी नजर नहीं आ रही। आ रही होंगी, वो कहाँ होंगी, रास्ते में होंगी। लो आ गई, था इंतजार जिसका वो शाकार आ गया, था इंतजार जिसका वो शाकार आ गया। आय हाय हाय, क्या हो गया कलम जी? वाह, जाके मेरे लिए एक कप चाय बना ला, मेरा सर भारी हो रहा है। शुक्र है सर भारी हुआ है, कहीं पैर भारी हो जाता ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाता। अकल के राखून लो मियां। अरे मुबारक हो दादाजी। किस बात की? इन्होंने आपको मेरे सामने मियां कहा है। चुप कर जा कमबख्त मारे, तुम दोनों मिलकर मेरा भेजा चाट जाते हो। भेजा? और आपके पास? अरे कलम जी भेजा तो इंसानों के पास होता है। दादाजी ये कौन सी फिल्मी पोज बना रही है? तुम समझे नहीं। अरे भाई ये फिल्मी पोज जो है ना, हीरोइन हीरो को देती है जब पाए बाग में जाना हो और मीठी मीठी बातें करना हो। अब ये मुझसे मीठी मीठी बातें करने पाए बाग में जाएंगी। पाए बाग में जाती है मेरी जूती, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा। अरे कन्नन जी जबरदस्ती के तो हम जवानी में भी कायल नहीं रहे, और वैसे भी भाई ये मामला तो हंसी खुशी अच्छा लगता है। कलम जी हम इंतजार हो कर सकते हैं आपके राजी होने तक। मुबारक हो दादाजी। किस बात? हंसी और फंसी। चुप कर कलमुए, जा जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। ये मैं हंदी ढोलना है ढोलना,
सोने दी तवी तेरी, सोने दी तवी तवी तेरी, तवी तेरी। और ये सब तुमने किया है, सब तुम्हारा किया दरा है, तुमने इसे सर चढ़ा रखा है, वरना मैं इसे मुकुल के रख दूंगी। तथा की कसम कि कल तुम शहर से बाहर मिलने नहीं गए थे, तुम्हें कितनी रकत का जवाब मिल जाएगा ये जानकर। देखो सर से बताओ ना, वरना मेरा मरा मुंह देखो तुम। अच्छा भाई क्या था, अब तुम्हें किस बात की जलन हो रही। अच्छा तो क्या क्या बातें हुई थी, एक एक करके बताओ। दूर रह के बात। क्यों, क्या कोई खतरा महसूस कर रहे? सर रख के थप्पड़ दूंगा। मतलब बताओ ना, प्लीज बताओ। देखो मैं भी तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताऊंगा, पहले तू बता। नहीं पहले तुम, पहले तुम। अरे देखो पहले तुम में हम लोग बैठे बैठे बुढ़े हो जाएंगे, तुम स्टार्ट करो ना प्लीज। अरे तुम जो बातें पूछ रहे हो वो बताने की नहीं होती, और मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ जानू, वो सिर्फ तुम्हारे ही बताने वाली है। अरे यार अब तो मुझे भी सस्पेंस हो रहा, बताओ क्या बात है। मैंने भी जब सुना था ना तो मेरे पेट में भी खासा कुछ हुआ था। अब तुम बता रहे हो या मैं तुम्हारे मुंह पे खासा कुछ कर दूं? अल्लाह तो मजा आ रहा है, प्लीज रख के रहो ना। यार तुम कैसे जलील आदमी हो, तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती, हाथ रख के पीछे हटाते हो। बात बता दे मेरे बाप। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो बता देते हैं। कल फोन पे कुछ शेफ की मंगनी का जिक्र हो रहा था, शायद कोई बचपन का मंगेतर है। ये लड़कियां रो रही हैं, कोरस में गाना गा रही हैं। मैं देखता हूँ, मैं करीब से बैठकर देखता हूँ।